स्टार्ट। हरे कृष्णा दाई मोटल टेस इन्होंने की ओर से मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम श्रवण करने जा रहे हैं टेंपल के ऊपर में। तो वास्तव में टेंपल है क्या, क्या ये कोई ईंट पत्थर का जस्ट एक स्ट्रक्चर है? देखिए टेंपल शब्द की परिभाषा अगर हम टेंपल पे ध्यान दें तो टी जो पहला अक्षर है टी स्टैंड फॉर ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति, राइट। मंदिर जाते हैं तो हमें शांति प्राप्त होती है। फिर ई स्टैंड फॉर एजुकेशन, तो भला मंदिर में हमें कौन सी एजुकेशन मिलने लगी, क्या फीस केमिस्ट्री मैथ्स की एजुकेशन मिलती है? नहीं। और यहाँ पे हमें भगवद गीता भागवतम रामायण चैतन्यचरितमानस इत्यादि, यानी कि हम कौन है, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, भगवान कौन है, उनके साथ हमारा क्या संबंध है, ये एजुकेशन के रूप में हम यहाँ पे सीखते हैं यानी कि स्पिरिचुअल एजुकेशन। एम स्टैंड फॉर मेडिकेशन, राइट। ये मेडिकेशन, ये यहाँ पे दवा मिलती है किसके, आप देखते हैं कि जड़ जगत में हमें शरीर के लिए बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, लेकिन आत्मा जो वास्तव में जो हमारा स्वरूप है उसके लिए कोई औषधि नहीं है, तो ये औषधि हमें मंदिर में प्राप्त होती है, ओके। और पी स्टैंड फॉर प्यूरिफिकेशन, राइट। तो प्यूरिफिकेशन, जैसा कि प्यूरिफिकेशन होता है मंदिर में आकर के, तो कैसा प्यूरिफिकेशन होता है, हमारी इंद्रियों का जो इंद्रियां जो अशुद्ध हैं उनकी शुद्धिकरण होती हैं। और फिर एल स्टैंड फॉर लव, मंदिर में हमें प्यार करना सिखाया था। प्यार किससे, क्या कोई यहाँ पे एक लड़का लड़की का प्यार है मंदिर में? नहीं, वास्तव में हमें यहाँ भगवान के साथ प्रेम का रसामय आस्वादन करना हमें सिखाया जाता है। फिर ई स्टैंड फॉर इंगेजमेंट, तो क्या यहाँ पे कोई रिंग सेरेमनी वाली इंगेजमेंट की बात करी जा रही है? कतई नहीं। ई स्टैंड फॉर इंगेजमेंट का मतलब यहाँ पे हम अपने वेरियस सेंसेस को भगवान की सेवा में इंगेज करते हैं, जैसे आँखों के माध्यम से भगवान के सुंदर रूप को देखते हैं, कानों से भगवान की कथा सुनते हैं, पैर से चल करके भगवान के मंदिर में प्रदक्षिणा करते हैं, मुख से भगवान का प्रसाद आस्वादन करते हैं, इस प्रकार से सेंसेस का इंगेजमेंट होता है। तो ये टेम्पल की परिभाषा है। और फिर हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में हमें एक दिखते हैं कि अरे ये स्टैचू है, तो ये स्टैचू है, तो फिर ये स्टैचू इनको कोई भगवान बोलते हैं, तो क्या वास्तव में ये स्टैचू भगवान में फिर क्या अंतर है? देखिए चौक चौराहे पर हम जैसे कि महात्मा गांधी इनकी जो पुतला, इनका जो पुतला देखते हैं, इसको स्टैचू कहते हैं, लेकिन मंदिर में जो भगवान होते हैं उसको स्टैचू नहीं कहते हैं। कारण इसका यह है कि भगवान के अनेक अवतारों में भगवान का एक अवतार जो होता है इसको अर्च विग्रह अवतार कहते हैं, यानी कि आचार्यों की प्रार्थना पर भगवान इस रूप में अवतरित होते हैं हमारी सेवाओं को लेने के लिए। ये किस प्रकार से स्टैचू से अलग है, तो ये एक 2 डेज का प्रोसेस है जो कि 6 स्टेप्स को इन्वॉल्व करता है। इसको मैटर टू स्पिरिट के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से एक सिंपल स्टैचू जो डीटी में कन्वर्ट होता है, देखिए सबसे पहली बात डीटी जो है वेरियस प्रकार के हो सकते हैं, वेरियस फॉर्म में हो सकते हैं, क्ले के रूप में यानी कि मिट्टी, मेटल से बने हुए जिसे सबसे प्रमुख जो है अष्टधातु, राइट। उसके बाद स्टोन, वुड, लेमिनेशन, सोल, इवन माइंड में भी डीटी का फॉर्म हो सकता है, राइट। तो मैटर से स्पिरिट की प्रक्रिया क्या है, सबसे पहली प्रक्रिया जो है उस प्रक्रिया को बोलते हैं शोधित पंचगव्य स्नान। पंच मतलब पांच, गव्य मतलब गौ माता से प्राप्त होने वाले पदार्थ, जिसमें कि दूध, दही, घी और गोमूत्र, गोबर, इनसे उन पहले जो अभी जिसको हम स्टैचू बोलेंगे जो अभी भगवान नहीं बने हैं उनको नहलाया जाता है शोधित पंचगव्य में। उसके बाद में फिर होता है नेत्र उन्मीलन, तो हम देखते हैं कि पहले स्टैचूज के आँख बंद रहते हैं, फिर उसमें स्टैचूज के आँख को खोला जाता है, आँख के ऊपर से पट्टी हटाई जाती है, उनके सामने अच्छी अच्छी चीज़ें रखी जाती हैं, जैसे कि सोना, जैसे कि धन धान्य अनाज, जैसे कि पुष्प, जैसे कि शास्त्र, जैसे कि गौ माता, इनका दर्शन होता है। फिर नेत्र उन्मीलन के बाद में तीसरा स्टेप होता है शयन अधिवास। शयन का मतलब सुलाना, अधिवास का मतलब रात भर जग के कीर्तन करना। तो भगवान को वहाँ पे एक अच्छे से कुशन पे, सॉफ्ट कुशन पे, बेड पे सुलाया जाता है। फिर नाइट आउट कीर्तन होते हैं, भगवान के बेड के नीचे मिल्क से बने हुए बहुत सारे बहुत प्रकार के स्वीट्स रखे जाते हैं। और चौथा जो स्टेप होता है उसको बोलते हैं तत्व संहार न्यास। तो डीटी जिनसे भी बने हैं, चाहे वो मेटल से बने हों या फिर धातु से बने हों, जिससे बने हों, तो उसमें जो भौतिक अशुद्धियाँ रहती हैं उनको दूर किया जाता है। तो वो कुशाग्रास के माध्यम से डीटी के वेरियस पार्ट्स को छू करके वो अशुद्धियों को दूर किया जाता है। तत्व संहार न्यास में पाँचवा अभिषेक, यहाँ पर भगवान का सस्त स्नान अभिषेक किया जाता है। भगवान को यहाँ पर वेरियस फ्रूट जूसेस के थ्रू और भगवान को बहुत प्रकार के मिश्रणों से भगवान का सस्त स्नान अभिषेक होता है, एक पात्र में जिसमें कि हजारों छिद्र होते हैं, उसे भगवान को नहलाया जाता है। फिर छठा और आखिरी स्टेप जो प्राण प्रतिष्ठा, यहाँ पे आचार्य क्या करते हैं, विग्रहों के सीने पे, चेस्ट पे हाथ रख करके गोपाल मंत्र का आवाहन करते हैं और भगवान को फिर उस फॉर्म में बुलाते हैं। इस प्रकार से एक साधारण सा पत्थर जो है भगवान बन जाते हैं। तो ये एक मेरा छोटा सा प्रयास था टेंपल के ऊपर में। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में साझा करें। हरे कृष्णा।